हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनदर टीचिंग ऐप के बारे में। तो इससे पहले हमने दो टीचिंग ऐप के बारे में डिस्कस किया था। शेक के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है और मैंने आपको बाटली भी ऐप के बारे में बताया हुआ है, और इन दोनों की वीडियोज़ भी हैं, मैं उसका लिंक भी दे दूँगी। और मैंने आपसे शेयर भी किया था मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा बाटली भी में, क्या उसके मुझे पॉइंट्स नेगेटिव लगे, किस कैसे पॉइंट्स मुझे उसके पॉजिटिव लगे। और मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था कि कैसे आप बाटलेबी में अपने क्वेश्चन आंसर्स को लिख सकते हैं और कैसे आप उन्हें अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से स्टेप्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये मेरी वीडियो है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आपने नहीं देखा। तो आज हम जस्ट ऐप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को उसके बारे में पता होगा, टॉपर के बारे में आई गेस काफ़ी स्टूडेंट्स उसकी नॉलेज होगी। तो आज हम टॉपर के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपली आपको यहाँ टाइप करना है community.topper.com, ठीक है। तो आप जैसे ही इस साइट पे क्लिक करेंगे, इस पे community.topper.com, इसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स जानते होंगे टॉपर में, कुछ वर्क भी कर रहे होंगे। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, नॉट ओनली आप डाउट सॉल्व कर सकते हो, आप इसमें टाइपिंग की जॉब भी कर सकते हो, इसमें आप डाटा एंट्री की जॉब भी कर सकते हो। तो वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। वर्क फ्रॉम होम है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, ऐसा सच कुछ नहीं है कि आपको बाउंडेशन है कि आपको टाइमिंग तक ही करना है। आपके पास जब टाइम हो आप तब इस पर वर्क कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन लैपटॉप से भी कर सकते हैं। फ़ोन से आई गेस किस में होता है कि नहीं आई डोंट नो, बट लैपटॉप से आप इसको कर ही सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली पहले आप इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे ही आप खोलेंगे, जैसे आप देख रहे हैं 50,000 प्लस कम्युनिटी मेम्बर्स यहाँ पे हैं, 2,000 प्लस न्यू जॉब्स यहाँ पे आई हैं और 10 करोड़ प्लस इनकम अर्न कर चुके हैं जो भी इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल वेज है कि आप कंटेंट बिल्डर का काम कर सकते हैं, क्रिएट क्वेश्चंस क्रिएट करना, कंसेप्ट सॉल्यूशंस देना, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाना, जिसके पास नॉलेज हो वो यहाँ पे कंटेंट बिल्ड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस ले सकते हैं, मतलब टीचर स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस आप उनको पढ़ा सकते हैं, डाउट सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप शेक और बाटलेबी में होता है ना, क्वेश्चंस पोस्ट किए जाते हैं, यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चंस, तो वो आप कर सकते हैं। वह एम्बेसडर का वर्क कर सकते हैं, मतलब कि हेल्प टॉपर रीच मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस एंड हेल्प देम टू सक्सीड इन एग्जाम्स एंड रिक्वायर लव फॉर एजुकेशन पेरेंट्स एंड वर्क विद टॉपर फॉर मेकिंग एजुकेशन बेटर फॉर एवरी चाइल्ड। सो दीज आर द जॉब्स जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो नीचे जाएंगे आप यहाँ पे इनकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं, कौन कौन यहाँ पे वर्क कर रहा है, उन सबकी स्टोरीज इन्होंने डाली हुई है। तो बहुत इजी इंटरफेस है। आपको कैसे अप्लाई करना है, सिंपली यहाँ पे आप क्या करेंगे ना, आप यहाँ पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक आएगा मेरा, यहाँ पे मैंने लॉगिन कर रखा है इसलिए आ रहा है। गो टू होम पे जाते हैं पहले हम, ठीक है। ये आपको इंटरफेस आएगा फर्स्ट टाइम, ठीक है। जब आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन कैसे करना है, यहाँ आपको साइन अप एंड लॉगिन आएगा, साइन अप करेंगे, सिंपल स्टेप्स होंगे, उसको आपको फिल करना है। कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपके पास जिसमें होम का ऑप्शन, माई जॉब्स जो आपने अप्लाई की है, पेमेंट स्ट्रक्चर कैसा होगा, सर्टिफिकेट्स कौन कौन से आपने अर्न कर लिए, ठीक है। तो फर्स्ट कंटेंट क्रिएटर को देख लेते हैं। कंटेंट क्रिएटर में क्या होगा, कंटेंट क्रिएटर कंटेन क्वेश्चंस, डाउट सॉल्यूशंस, कंसेप्ट, ये सारा आप यहाँ पे वर्क करेंगे। और इस पर लिखा यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन एडिंग न्यू क्वेश्चंस, भी आप ऐड कर सकते हो, रिफाइनिंग कर सकते हो, आप इनके जो भी 2 लाख क्वेश्चंस हैं उनको आप रिफाइन भी कर सकते हो। कैसे वर्क होता है, आप मल्टीपल जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये बहुत ही बेस्ट फीचर है। ये नहीं कि आप सिर्फ डाउट सॉल्विंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप कंटेंट क्रिएटर के लिए अप्लाई कर सकते हो, टाइपिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, तो मल्टीपल जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। और आपको मंथ एंड में ही आपकी जो भी इनकम आप अर्न करोगे वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। How much do I earn? You can browse through a few ongoing jobs or project to see the earning potential. Feel free to apply to multiple jobs. आप multiple jobs पे कर सकते हो और जैसा project होगा उसके according आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखो जो workers काम कर रहे हैं, sorry जो जो यहाँ पे work कर रहे हैं ना, उन सबकी stories की मैंने 30 jobs करी हैं, उसके बाद कितना कर लिया है और कितना earn कर लिया है, सब कुछ यहाँ पे आपको mention होगा, ठीक है। आप कंटेंट्स में बहुत सारी है, स्टोरी क्रिएशन का वर्क है। स्टोरी क्रिएशन में आप क्या करेंगे, ऑल दी क्वेश्चंस ऑफ अ चैप्टर आर टैग्ड फॉर डिफिकल्टी लेवल, टैगिंग ऑफ अ गोल है, सॉर्टिंग करनी है आपको, फिल्टरिंग करनी है क्वेश्चन की जैसे ही उनको चाहिए, ठीक है। तो ये जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है ना, ये तो अभी अवेलेबल नहीं आई गेस, जॉब डिस्क्रिप्शन है, चैप्टर दे रखा है और अर्निंग दे रखी है कि पर स्टोरी आप इतना अर्न कर सकते हो, और एंड डेट भी है इसकी कोई, तो यहाँ पे सिंपली अप्लाई करेंगे और इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। डीटीपी डाटा एंट्री का वर्क भी है,
इसमें भी देखो काफ़ी है कि आप अर्न कर सकते हो 688 रुपीज़ अर्न कर सकते हो, 4 पर क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। ऐसे ही आप रेटिंग एंड टैगिंग पे भी अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे अर्न अप टू 29,000, यहाँ पे कोई एंड डेट नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, चैप्टर है अकाउंटेंसी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको गिवन है, और अर्निंग है कि 13 रुपये पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वर्क क्या है, आपको अगर नहीं है समझ आता तो यहाँ पे हर वर्क का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। रेटिंग एंड टैगिंग में आपको क्या करना है, इसमें क्या है, ऑल दी क्वेश्चंस ऑफ अ चैप्टर टैग फॉर डिफिकल्टी लेवल, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग आपको इनकी करनी है, ठीक है, जैसे कि वो बोलेंगी। क्वालिटी चेक का भी वर्क आप कर सकते हैं, चेकिंग द क्वेश्चन आर रेडी, पर आपको चेक करना है कि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो पब्लिश करने के लिए रेडी हैं कि नहीं, उनका क्वालिटी चेक करना है कि क्वालिटी उनकी सही है, कोई एरर तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शंस जो सही सही से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो फाइनल स्टेप जो होता है बिफोर क्वेश्चन जो पब्लिश किए जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो सब आपको यहाँ पे चेक करना है। सॉल्यूशन राइटिंग भी आप कर सकते हैं, ऑल द क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड एंड डिटेल स्टेप सॉल्यूशंस आर प्रोवाइड किए जाएंगे, तो सॉल्यूशन द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर सकें, तो इट आल्सो हेल्प देम अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन। तो लीगल स्टडीज़ के जो क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको गिवन दे रखे हैं, अर्निंग है कि पर क्वेश्चन आपको इतना मिलेगा और एंड डेट कोई भी नहीं है। तो सिंपली क्या करोगे ना, आप यहाँ पे अप्लाई फॉर जॉब पे जाओगे, एग्री एंड कंटिन्यू करोगे, यहाँ पे अपना जो भी आपको भरना है वो यहाँ पे आप भर सकते हो, उसके बाद आपको ओके कर देना है, ठीक है, अप्लाई कर देना है सिंपली, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ऐसे ही आप फर्दर अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी सारी जॉब्स हैं। सॉल्व डाउट्स, डाउट सॉल्विंग का भी आप वर्क कर सकते हो, इसमें भी वही है, जितने आप क्वेश्चन आंसर डाउट सॉल्व करोगे उतने आपको इनकम होगी। इसमें देखो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है, आपको क्या करना होता है ना, 3 टेस्ट होते हैं, पहला कम्युनिकेशन का, फिर उसके बाद आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड फिर जनरल एप्टीट्यूड। तो जैसे ही आप एक का करते हो, तो जैसे मान लो आपको पॉलिटिकल साइंस करना है, आप इसका कम्युनिकेशन स्किल का टेस्ट देते हो, तो सारे कम्युनिकेशन स्किल जितने भी है सबका हो जाता है जनरल एप्टीट्यूड भी, बट जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगल सिंगल है कि जो आपको करना है उसी का। उसके बाद आपको सारे सर्टिफिकेट लेने हैं, जब आप ये तीनों सर्टिफिकेट अर्न कर लोगे ना, यहाँ अप्लाई आ जाएगा, अप्लाई कर देना, उसके बाद आपको मेल आएगा, उसके बाद जो भी फर्दर प्रोसीजिंग होगी वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स भी आप ले सकते हो, मान लो आपने नहीं कर पाया टेस्ट, तो आपको 3 दिन के बाद फिर से चांस मिलता है, वहाँ पर जाके कर सकते हो। माई जॉब्स पे जाओगे, माई जॉब्स में मैंने जैसे इसमें अप्लाई किया हुआ है, कंटेंट्स में मैंने इनमें भी अप्लाइड किया हुआ है, ओपन जॉब्स कौन कौन सी अभी अवेलेबल हैं यहाँ आपको मिल जाएगी। पेमेंट्स कैसे होगी, यहाँ पे गिवन है कि जो इनवॉइस होगा ना आपको 2nd and 17th जो एवरी मंथ की डेट होगी वहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है। इफ़ नॉट, इफ़ योर टोटल अर्निंग जो है वो 1000 रुपीज़ से ज़्यादा है, अगर नहीं है तो इनवॉइस जनरेट नहीं होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू अपडेट द फाइनेंशियल डिटेल्स आपको देनी होगी, तो वही है कि फाइनल राउंड ऑफ पेमेंट जो है आपको 12th और 17th ऑफ एवरी मंथ या 27th ऑफ एवरी मंथ आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। सो बहुत ही ईजी इंटरफेस है, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, आप कहीं पर भी बैठ के इस वर्क को कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको घर पे बैठे हो कहीं पे भी, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास नेट होना चाहिए और आपके पास थोड़ा सा टाइम होना चाहिए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है कि आपको यहाँ पे वर्क कैसे करना है। अगर फिर भी कोई डाउट होता है ना तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर कोई इस पे पहले से वर्क कर रहा है और आपको उसके कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स पता है तो वो भी आप मेरे साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ताकि जो स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करेंगे उन्हें भी थोड़ी हेल्प मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँ। थैंक यू।